नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सत्र में। मैं हूं आपके साथ नुबुल श्रेष्ठ और हमारा ये सत्र आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े हैं अभी यूट्यूब के माध्यम से भी। हमारा यूट्यूब चैनल है NCERT ऑफिशियल। और साथ ही साथ जैसा कि कहा कि हम क्लास टेंथ के बात कर रहे हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जब भी इसकी बात होती है तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो पूरे चांसेस होते हैं कि आप फुल मार्क्स इसमें अचीव करें और आपकी परसेंटेज के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैथ्स का ये सब्जेक्ट है और वैसे ऐसी कुछ बात संस्कृत के लिए भी कही जाती है, तो लेकिन आज संस्कृत के साथ बात नहीं होगी, उस बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम मैथ्स का जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये इसका सेकेंड पार्ट है। और टॉपिक जो है हमारा आज का वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू। और इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आप है हमारे साथ सविता ग्राहक जी, कोऑर्डिनेटर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार नुपुर, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर अभी मैम कि ये जो इसका सेकंड पार्ट है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से समझ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या हमारी डेली लाइफ में भी यूज़फुल है, आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको हमें कुछ बताना चाहेंगे अभी? जी नुपुर, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि हम डेली लाइफ में किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपने बता ही दिया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इन आर प्रीवियस सेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन सिंपली मीन के जब भी हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ भी ऊपर की तरफ से देखते हैं, आई लेवल से कुछ भी ऊपर की तरफ देखते हैं, देन जो एंगल फ्रेम होता है हमारे आई पर बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से अगर हम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर स्लाइड पर भी देख सकते हैं कि आई लेवल से जब हम कुछ भी नीचे की तरफ ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए जो एंगल फ्रेम हो रहा है हमारे आई पर बिटवीन बोथ ऑफ दीज, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद हमने डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और इसे समझने के लिए हमारे व्यूअर्स हमारे प्रीवियस सेशंस को ज़रूर देखें कि किस तरह से हम वेरियस एंगल्स पर टी रेशोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, तो साथ ही प्रीवियस सेशन में हमने कुछ कुछ इस टॉपिक से जुड़ी बात की है, लेकिन अगर आप भी अभी भी कोई सवाल है जो आपने प्रीवियस सेशन में अगर इसको पढ़ा और अभी भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप सीधा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप हमें 8800440559 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें अपनी जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मेल भी कर सकते हैं dth.class10@cit.nic.in। और सविता ग्राहक मैम हमारे साथ हैं अभी, जो आपकी सारी जो क्वेरीज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगी। और मैथ्स अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैम, जब तक आप कहीं पे भी अटक नहीं जाते तब तक तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर जब आप अटक जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा। तो उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को और कैसे ईजी बना सकते हैं बच्चों के लिए। जी बिल्कुल नुपुर, तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे कि आपने बोला जब तक अटक नहीं जाते तब तक हमारी बात नहीं बनती, तो ठीक है बिल्कुल। और ऐसा भी जैसे ही आपने ये शब्द बोले मुझे भी एक मैथमेटिक्स की पोएम छोटी सी याद आई, पहली दो पंक्तियाँ हैं कि अंक गणित से सुबह है मेरी, बीज गणित से शाम, और रेखाओं से घिरी हुई है मेरी उम्र तमाम। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जब वो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस की बात करेंगे डेफिनेटली वो इसी तरह की रेखाएं यानी कि बहुत सी लाइंस बनाएंगे, सो दैट वो समझ पाएं कि किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रेम हो रहा है और किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रेम हो रहा है। ठीक इसी तरह का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने है, एंड दिस एग्जाम्पल इज व्हाट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ हिल एंड अ टावर। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हमें गिवन है और उस रिलेशनशिप का यूज करते हुए साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम देखिए बता पाएंगे जो भी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। लेट मी हाईलाइट दैट थिंग फर्स्ट कि हमसे पूछा क्या गया है।
हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, और हमें दिया क्या है, लेट अस सी दैट नाउ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। सो इन आर फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस सी डी इज ऑब्जर्विंग द हिल, दिस डी पॉइंट इज हाईलाइटिंग द टॉप ऑफ द हिल, और फुट ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस हिल के लिए वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। देन इट इज सेइंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल दैट इज गिवन टू बी 30 डिग्री। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। सो लेट अस डिस्कस अगेन कि टावर की जो हाइट है दैट इज गिवन टू बी 50 मीटर। टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल दैट इज गिवन टू बी 30 डिग्री। तो हमारे व्यूअर्स को निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द हिल। तो इसे अगर आप समझते हैं, क्लियर है, देर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। द फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी, इन विच वी कैन क्लियरली सी कि ए पॉइंट पर जो एंगल फ्रेम हो रहा है, और आर व्यूअर कैन राइट इट एज एंगल बी ए सी, दैट इज गिवन टू बी 90 डिग्री। सो फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली से दैट 50 डिग्री डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर विद द बेस ऑफ द ट्राइंगल विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस 50 अपॉन AC हियर। सो फ्रॉम हियर वी कैन ईजिली से that the value of AC is what? Let us calculate that. We can say that 50 divided by AC equals 1 upon root 3, which can be further rewritten as that AC equals 50 root 3, क्योंकि हमारे viewers जानते हैं that the value of tangent 30 degree is 1 divided by root 3. So if we have calculated the value of this AC, which is 50 root 3 meter, फर्दर हमारा जो स्टेप है वो इजी हो जाता है, क्योंकि हमें वो बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ सी डी विच इज द हाइट ऑफ द हिल। तो वैल्यू ऑफ सी डी कैलकुलेट करने के लिए वी शेल प्रोसीड टूवर्ड्स द अदर ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ए सी डी, एंड इन दिस ट्राइंगल द बेस एंगल फ्रेम्ड हियर इज एट पॉइंट ए विच इज 60 डिग्री। द हाइट इज सी डी और यू कैन से एक्स, एंड the base is AC which you just have calculated dear viewers, which is 50 root 3. So from here you are able to say that the height of hill x is given by the value of tangent 60 degree, and that will be multiplied by the value of AC. Yani the value of x is root 3 multiplied by 50 root 3, and from here Nupur our viewers can easily say that the height of the hill is 150 meter. Right. तो मैम जब बच्चे इस तरह के जब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ट्रिकी होता है जहां वो अटक जाते हैं, जैसे भी आपने इसको हमें समझाया ये जो क्वेश्चन था और जिसमें हमने हाइट और इन सब के बारे में बात की, तो क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स में उनके रह जाता है, तो इस बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जी बिल्कुल उनके क्लियर कर दीजिए। आपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है, और आपका क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्टेप है जहां हमारे व्यूअर्स मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से ट्रिग्नोमेट्री में वो लैग करते हैं या डर जाते हैं। तो सबसे पहला जो इस चीज का आंसर मैं देना चाहूंगी दैट इज कि फिगर ड्रॉ करते हुए हमारे व्यूअर्स मिस्टेक कर देते हैं जी, और फिगर में भी स्पेशली एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे हमने बात की, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रेम होता है, वहां मिस्टेक क्या करते हैं हमारे व्यूअर्स को ऑब्जर्व करना होता है द स्लैंट ऑफ द एंगल। आप देखिए, मान लीजिए ये बेस लाइन है और ये आपका एंगल है जी. तो स्लैंट ऑफ द एंगल, जैसे जैसे मैं इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे हमारे व्यूअर, जैसे जैसे मैं ऐसा इंक्रीज कर रही हूँ, स्लैंट और ज्यादा डेप्थ में जाती जा रही है, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है। अगर यहां तक रखते हैं तो एंगल कम है, तो हमारे व्यूअर्स ये मिस्टेक बहुत बार करते हैं, इन प्लेस ऑफ 30 डिग्री दे टेक 60, इन प्लेस ऑफ 60 दे टेक 45, और जो भी है, मतलब कौन से एंगल को क्या दिया गया है ये समझना ड्रॉ करना जरूरी है जी जी ओके तो ठीक, इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड is 60 degree. There is a point A on the ground.
जहां से इस जेट प्लेन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जेट प्लेन अभी है एट पॉइंट डी। ओके, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 60 डिग्री। देन इट इज सेइंग दैट आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड्स में हमारा जो जेट प्लेन है उसने प्लेस कवर कर लिया फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई, और अभी एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो यहाँ हमारे व्यूअर्स मिस्टेक कर जाते हैं कई बार, उन्हें लगता है कि पहले जेट प्लेन पॉइंट ई पर था, अभी वो पॉइंट डी पर पहुंच गया है। लेकिन अगर आप इस लैंड को ऑब्जर्व करेंगे, लेट मी चेंज द कलर टू हाईलाइट द सेम, दैट इसका जो डेप्थ है स्लैंट है वो ज्यादा है। जबकि अगर हमारे व्यूअर्स ऑब्जर्व करते हैं ए ई को, तो यहाँ से हमारे व्यूअर्स इजीली समझ सकते हैं दैट विच एंगल विल बी 30 डिग्री एंड विच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो लेट अस डिस्कस द सेम क्वेश्चन फर्दर। द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, मीन्स हाइट इज स्टिल कॉन्स्टेंट। क्योंकि एकदम से हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है दैट द फ्लाइट इज फॉर 15 सेकेंड्स, लेकिन जी ये भी तो हो सकता है कि वो फ्लाइट जो है वो स्लाइडली जा रही हो, बट क्वेश्चन ये आपको क्लियर कर रहा है दैट द हाइट इज अ कॉन्स्टेंट हाइट। हमें कैलकुलेट करना है द स्पीड ऑफ द प्लेन। सो डियर व्यूअर, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर डिस्टेंस पता होगा, टाइम पता होगा, तो स्पीड आप कैलकुलेट कर सकेंगे। आपको पता है कि पॉइंट डी से पॉइंट ई तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है दैट इज हाईलाइटेड हियर, इट इज 15 सेकेंड्स। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। डेफिनेटली अगर डी ई डिस्टेंस हम चाहते हैं तो बी सी इज इक्वल टू डी ई। सो हमारे राइट व्यूअर्स ये चीज समझ जाएं कि उन्हें डिस्टेंस डी ई कैलकुलेट करना है। उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल्स, लेट अस ऑब्जर्व बोथ ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स इन आर क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑफ दीज ट्राइंगल्स इज ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी वी कैन सिंपली से दैट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस विच इज बी डी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टेंजेंट 60 डिग्री। बी डी द वैल्यू ऑफ बी डी एंड द वैल्यू ऑफ ई सी बोथ ऑफ दीज आर सेम, सो इन प्लेस ऑफ बी डी हमारे व्यूअर्स 1500√3 लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू अभी आपके पास नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री। फ्रॉम हियर इजीली वी कम टू नो दैट द वैल्यू ऑफ ए बी इज 1500 मीटर। ठीक इसी तरह से यू विल गो फॉर द अदर ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ए सी ई। लेट अस सी इट ऑन अर नेक्स्ट पेज। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ट्राइंगल ए सी ई। नहीं भूलेंगे कि अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है दैट द वैल्यू ऑफ ए बी इज 1500 मीटर। इन दिस ट्राइंगल ई सी डिवाइडेड बाई ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री विच इज 1/√3। फ्रॉम दिस वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सी ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और हमारे व्यूअर्स बता सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ ए सी इज 4500 मीटर। अभी हमने कैलकुलेट किया था द वैल्यू ऑफ ए बी दैट वॉज 1500। हमारा फोकस है डिस्टेंस डी ई पर, और डिस्टेंस डी ई इज इक्वल टू द डिस्टेंस बी सी, और यहाँ से इजिली हम बता सकते हैं दैट बी सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी विच इज 3000 मीटर। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द सेम, हमें ये नहीं पूछा गया कि बी सी डिस्टेंस कितना है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द जेड प्लेन। तो स्पीड इज इक्वल टू, जानते हैं हमारे व्यूअर्स, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ द डिस्टेंस इज 3000 मीटर, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा है 15 सेकेंड्स, सो द स्पीड इज 200 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। द क्वेश्चन इज द शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टेफ इज 3 टाइम्स, लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैग जी स्टेफ व्हेन द सन रेज मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो सो अभी तक मैम, जैसे एंड अभी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पता पढ़ा अभी, तो क्या अभी ये एग्जाम्पल है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, या हम इसको अभी इसी तरीके से समझेंगे?
जी नूपुर, ये क्वेश्चन भी एंगल ऑफ एलिवेशन का ही है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अभी तक हमारे व्यूअर्स हाइट या बेस स्पीड निकाल रहे थे. जी इन दिस क्वेश्चन दे हैव टू फाइंड एन एंगल अंडर अ कंडीशन गिवन. ओके जैसा कि हम देख सकते हैं कि इट इज सेइंग दैट इफ द बेस एंगल इज 60 डिग्री, जी उस समय शेडो की जो लेंथ बन रही है, लेट दैट बी टेकन एज एक्स एज इट हैज बीन रिटन हियर. ही इज आस्किंग फाइंड द एंगल वेन द लेंथ ऑफ द शेडो बिकम्स 3 टाइम्स, यानी राइट कि 3x. सो वी हैव ए सी इक्वल्स एक्स यूनिट्स, वी हैव ए डी इक्वल्स 3x यूनिट्स, और हमें वैल्यू निकालनी है एंगल थीटा की, दैट मीन्स एंगल बी डी ए कैलकुलेट करना है, जिसे हमने सपोज किया है थीटा. सो वी कैन सी दैट दिस इज द फ्लैक्स्ट ऑफ ए बी. क्लियरली देर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. सो इफ वी टेक बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स वन बाय वन, द ट्राइंगल ए बी सी, इन दिस लेट अस सपोज द फ्लैगस्टाफ हाइट इज एच. सो हमारे व्यूअर्स इजिली लिख सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड एक्स, विच इज टेंजेंट 60 डिग्री, एंड लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 डायरेक्टली. फ्रॉम हेयर दे कैन से दैट एच इक्वल्स √3 × x. सिंस नो यूनिट इज गिवन मीटर और सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर यूनिट्स मेंशन कर सकते हैं. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द अदर ट्राइंगल फ्रॉम वेयर वी आर एबल टू से दैट एच डिवाइडेड बाय √x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए हमारे व्यूअर्स के पास एंगल मेंशन नहीं है, सो दे विल सिंपली टेक द एंगल टू बी थीटा. एंड नाउ After taking this angle to theta, let us again find the relationship between h and x from here. क्या मिल रहा है हमारे व्यूअर्स को? They are able to get that h equals 3x into tangent theta. अब समझना ये है कि इन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड्स आर h. सो हमारे व्यूअर्स बोल सकते हैं इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल. सो दे हैव 3x मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट थीटा इक्वल्स √3 × x. फ्रॉम वेयर दे कैन से दैट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल्स √3/3, विच कैन बी फर्दर री रिटन एज 1/√3, एंड ड्यू टू विच हम समझ पा रहे हैं दैट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, बिकॉज ऑफ विच थीटा बिकम्स 30 डिग्री. सो इस क्वेश्चन में हमें निकालनी थी वैल्यू ऑफ थीटा. और जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा था कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है, सो हेयर इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन. लेट अस सी द क्वेश्चन केयरफुली डियर व्यूअर्स. व्हाट द क्वेश्चन हेयर इज, एन एरोप्लेन विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर. लेट अस व्यू द इमेज प्रॉपरली, क्योंकि आपके लिए फिगर बनाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा. विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. यानी कि टॉप से एरोप्लेन से हम किसी रिवर के बैंक्स को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रेम हो रहा है. और जो दोनों बैंक्स हैं उनमें से एक के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन टू बी 45 डिग्री, और दूसरे के लिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज गिवन टू बी 60 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री. सो डियर व्यूअर्स, आपने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक में कि जब भी टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं, सो दोज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल. यानी कि बिकॉज यू हैव दैट एंगल ए, और यू कैन री राइट इट एज एंगल एक्स ए बी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए बी, आप इस पॉइंट को नेम दे सकते हैं पी, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंड डेफिनेटली आपको मैंशन करना होगा द रीजन बिहाइंड दैट, कि ये जो एंगल्स हैं दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक इसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं दूसरे एंगल को, फ्रॉम देयर यू आर एबल टू गेट दैट द एंगल एट पॉइंट सी दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री. अभी हमें बताना है विड्थ ऑफ द रिवर. सो हो गया क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी हमारे व्यूअर्स के लिए, दैट विड्थ ऑफ रिवर दैट इज इक्वल्स टू बी सी. और आप देख सकते हैं बी सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर. दीज टू बेसिस आर बी पी एंड पी सी.
तो बीपी और पीसी, जब इन दोनों की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रायंगल ए बी पी एंड द ट्रायंगल ए सी पी, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टेल अस द आंसर ऑफ द सेम। नुपुर, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। जी जी आई बिल्कुल वॉन्ट ये मैम, जो क्वेश्चन है ये हमारे व्यूअर सॉल्व करें और हमसे शेयर करें। राइट। तो जी अभी ही आज हमने मैम जो बात की है वो हमने लिया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा है। और इस ये बहुत ही स्कोरिंग रहता है बच्चों के लिए एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने के लिए भी। तो मुझे लगता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल डिटेल में जाएं, और कोई भी क्वेरी आपको लगती है, कुछ भी डाउट होता है, तो ज़रूर उसको क्लियर करते जाएं, ताकि आप, क्योंकि जो भी हमें क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम में, हो सकता है कि थोड़े से चेंज आए क्वेश्चंस, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उसको ईजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल नुपुर, ठीक, और मैं भी चाहूंगी कि एक और क्वेश्चन हम अपने व्यूअर्स के साथ जरूर डिस्कस कर लें। बिल्कुल। अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दियर, एंड व्हाट द क्वेश्चन हियर इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ हमेशा ग्राउंड लेवल पर ही बनेगा, जी जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ, नॉट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। जी यानी एक टावर है, उस टावर की टॉप से देखने पर बिल्डिंग की टॉप के लिए भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और बिल्डिंग के बॉटम के लिए तो बनेगा ही एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी इस चीज से हमारे व्यूअर्स एकदम रियल लाइफ में उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझें कि टावर की टॉप से बिल्डिंग की टॉप भी नीचे दिखाई दे रही है। हम्म, इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट टावर की हाइट से कम है। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले भी हमारे व्यूअर्स ये समझ सकते हैं कि व्हेन आई विल बी विद माय फाइनल आंसर, तो मेरी बिल्डिंग की हाइट टावर की हाइट से कम आ रही होगी। सो ठीक, देखते हैं, ये पॉइंट ई शो कर रहा है द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर। वहां से जब बिल्डिंग की टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज एट पॉइंट ए, दैट एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्री, एंड व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग विच इज एट पॉइंट बी, द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन टू बी 60 डिग्री। और सेम थोड़ा सा जल्दी ऑल्टरनेटिव मैम हमें ये लेना होगा क्योंकि टाइम होने वाला है, हमें समय इजाज़त जी नहीं दे रहा, बिल्कुल तो नुपुर, मेरा जल्दी से इसके पूरा हम, प्रयास रहेगा जी कि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही जी जल्दी से और अच्छे से अपने बच्चों को जरूर समझाएं। तो दिस इज 30 डिग्री। डेफिनेटली अभी हमने बात की थी कि एंगल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई द बेस एंगल एट पॉइंट ए विच इज गिवन बाय एंगल ई ए डी हियर, वो भी होगा 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से एंगल ई बी सी दैट बिकम 60 डिग्री। तो हमारा काम यही है कि हम ऑब्जर्व कर लें कौन सी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स यहाँ पर फ्रेम हो रही हैं। द फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए ई डी, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट द सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ई सी बी। हमें निकालना है द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द होरिजोनटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज बिल्डिंग एंड टावर। यानी हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट 50 थी, तो पॉइंट डी से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है दैट बिकम्स 50। लेट अस सपोज ई डी इज इक्वल टू वाई, सो द हाइट ऑफ द टावर बिकम्स 50 प्लस वाई। अभी सिंपली ए ई डी ट्राइंगल से हमारे व्यूअर्स कह सकते हैं दैट वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट 30, फ्रॉम विच यू कैन राइट दैट √3 इंटू वाई इक्वल्स एक्स। ठीक इसी तरह से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर ट्राइंगल, यू आर एबल टू से दैट 50 प्लस वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ड्यू टू विच एक अदर रिलेशनशिप यहाँ पर है 50 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। जी तो दोनों जी ही इक्वेशंस में आपके पास कोशिश यही करनी है कि अगर दो वेरिएबल्स चल रहे हैं तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया जाए। तो जी दोनों ही इक्वेशंस में एक्स को आपने वाई की फॉर्म में लिखा है, यू विल जी कंपेयर बोथ ऑफ द इक्वेशंस, आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस इक्वेशन को वैल्यू को जब आप पुट करेंगे इन द फर्स्ट जी इक्वेशन, मैम, यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट जी द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। सो थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू नूपुर।
थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जो भी डाउट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सॉर्ट आउट हुए हैं, और भी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सविता ग्राहक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी थैंक यू नूपुर। और साथ ही आपको बताएंगे कि अभी आप कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, जिस पर आज बात होगी। जो टॉपिक रहेगा वो है एनिमेशन एज डिजिटल रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, और उसके बाद 5 बजे आप देखेंगे हमारा सहयोग सेशन, और उसका जो विषय रहेगा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज बात होगी एडोलसेंस क्रूशियल येट क्योटिक, और उसके बाद आप जुड़ेंगे हमारे आखिरी सत्र जो आज का है वो है निपा। तो बस अभी मैं नुपुर श्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ई विद्या चैनल नंबर अलग अलग है, लेकिन कुछ ही देर में आप बने रहेंगे हमारे आज के अगले सत्र के साथ। नमस्कार।